हेलो दोस्तों, ए आर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करते ठीक होंगे। तो ये देख सकते हो, आज हमारे सामने सैमसंग की एलईडी है जिसमें उल्टी डिस्प्ले आ रही है। आप देख सकते हो इसमें हमारी उल्टी स्क्रीन आ रही है, जबकि ये हमारी एलईडी टीवी बिल्कुल सीधी रखी हुई है। देख सकते हो आप, इसमें हमारी उल्टे डिस्प्ले का फॉल्ट है। तो ये देख सकते हो, ये हमारा सब उल्टा आ रहा है। तो आज हम इसे ठीक कर कर आपको दिखाएंगे। तो हमें सबसे पहले एवी पर आ जाना है। एवी आने के बाद हमें अपने रिमोट में मेनू वाले ऑप्शन पर चले जाना है, मेनू प्रेस कर लेना है। मेनू प्रेस करने के बाद 1147 हमें प्रेस कर लेना है। जैसे हमने 1147 प्रेस किया, ये देख सकते हो ये हमारा सर्विस मेनू कोड खुल गया है, जिसमें आप देख सकते हो छठे नंबर पर हमारा पैनल सेटिंग है। तो हमें से पैनल सेटिंग पर हम आ जाते हैं। छठे नंबर पर ये हमारी पैनल सेटिंग है। जैसे हम पैनल सेटिंग पर आए तो देख सकते हो पांचवें नंबर पर मिरर लिखा हुआ है। तो हमें मिरर पर आ जाना है। ये हम मिरर पर आ गए हैं और इसे नेक्स्ट कर देना है। जैसे हमने नेक्स्ट किया, ये देख सकते हो हमारी डिस्प्ले सीधी हो गई। और मैं आपको फिर से उल्टी करके दिखा दूँ, अगर हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारी फिर से उल्टी हो जाएगी। ये देख सकते हो ये उल्टी हो गई है। और अब हम इसे नेक्स्ट करके सीधी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपनी एलईडी टीवी मिरर ठीक कर सकते हो। ये देख सकते हो ये हमारे सब फंक्शन सीधे आ गए हैं, बिल्कुल लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि सर्विस मेनू कोड हमारा 1147 है।